हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने चाह रही हूँ। और इस टॉपिक में एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये किसी की रिक्वेस्ट आई थी आर्ट एंड राठौर चैनल की, और उन्होंने मुझसे कहा था कि प्लीज़ यूट्यूब स्टूडियो के बारे में, स्पैम कमेंट्स के बारे में और एनालिटिक्स के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दें। तो आज मैं जा रही हूँ, कमेंट्स में पहले ही पढ़ चुकी थी इस वीडियो के, जो भी मेरा लास्ट वीडियो था एक्चुअली में, तो आज मैं जा रही हूँ वही वीडियो शेयर करने आपके साथ कि कैसे आप लोग अपने एनालिटिक्स चेक कर सकते हैं। आई थिंक कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट ये बेसिकली उनके लिए है जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि हम लोग कैसे अपना स्पैम चेक कर सकते हैं और स्पैम का क्या मतलब होता है, क्यों स्पैम में मैसेजेस जाते हैं, हमारे यूट्यूब स्टूडियो कहाँ से ओपन होता है। तो ये सारे डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगी, बट इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू बी राइट मी इन कमेंट्स, ताकि मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उस वीडियो में आपके इस डाउट को क्लियर ज़रूर करूँ। और अगर आप लोगों को ऑलरेडी नॉलेज है तो भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, हो सकता है कि शायद आपको कुछ और बातें मेरे थ्रू पता चल जाए, राइट। तो चलिए फिर बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम अपना होम पेज ओपन कर लेंगे। इस होम पेज पे जाके आप अपने इस फोटो पे क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो वाइट स्टूडियो स्क्रीन पे लिखा है इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो वाइट स्टूडियो में जाएंगे, यहाँ पे चैनल डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं जैसे कि लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस आपकी क्या जा रही है, क्या व्यूज़ जा रहे हैं, क्या इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट जा रहा है, क्या एवरेज व्यू ड्यूरेशन जा रहा है आपके उस वीडियो का, राइट। जिस दिन ये रिकॉर्डिंग की है ये उस दिन का है। तो इसके बाद आप यहाँ चेक कर सकते हैं न्यूज़, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि न्यूज़ यहाँ पे आप आगे पीछे करके चेक कर सकते हैं क्या न्यू अपडेट्स आए हैं, न्यू चेंजेस आए हैं या फिर क्या न्यूज़ आ रही है यूट्यूब की। चैनल एनालिटिक्स यहाँ से चेक कर सकते हैं, 1200 इतने मेरे जो चैनल है, मतलब 1284 समरी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लास्ट 28 डेज़ की कि कितने व्यूज़ आपके गए हैं लास्ट 28 डेज़ में और वॉच आवर कितने मिले हैं आपको 28 डेज़ में। तो उसके बाद आप यहाँ चेक करेंगे टॉप वीडियोस आपके कौन सी चल रही हैं, विद 48 आवर्स का डाटा है ये, राइट। तो आप ये डैशबोर्ड है जिसमें कि एक ओवरऑल ब्रीफ दिया गया है परचेज का, रिज्यूम और इंटरप्रेटिव वीडियोस, व्हाट्स न्यू, क्या न्यू है यूट्यूब स्टूडियो में, और आप यहाँ से सी मोर स्टूडियो अपडेट्स भी चेक कर सकते हैं कि क्या क्या और नई चीज़ें हैं। क्रिएटर इनसाइडर में आप चेक कर सकते हैं, क्रिएटर इनसाइडर में आपको बताया जाएगा जो यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं वो यहाँ पे वीडियोस डालते हैं, ऑफिशियल वीडियोस हैं आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को कोई भी र्यूमर्स नहीं मिलेंगे। आइडियाज़ फॉर यू, आप क्या क्या अपने यूट्यूब में चेंजेस कर सकते हैं, यहाँ से आइडियाज़ मिलते हैं। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, छोटी छोटी क्वेश्चनिंग आती रहती है। यूट्यूब नोन इशूज़, ये जो लोगों का इशू है कि हमारा जो प्रॉब्लम क्यों चल रहा है, राइट, कि हमारे वॉच आवर कट जा रहे हैं बिना किसी बात के, तो ये इश्यूज रहते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कई बार इशू रहता है यूट्यूब का, उसकी वजह से आपके वॉच आवर्स या कोई भी चीज़ें हैं वो अपडेट नहीं होती हैं। और जैसे ही वो इशू क्लियर होता है तो अगर आपके उन चीज़ें आपको मिलनी होंगी तो 101% रिटर्न आपको पक्का मिलती हैं, राइट। तो यहाँ पर आपके रिसेंट सब्सक्राइबर हैं कि कौन कौन से हैं, बाकी यहाँ पे आप सारी चीज़ें इस तरीके से चेक कर सकते हो डैशबोर्ड में। अब चलते हैं हम एनालिटिक्स में। तो एनालिटिक्स में सबसे पहले यहाँ पे ओवरव्यू मतलब कि सारी चीज़ों का आपको यहाँ पे ओवरव्यू मिलेगा 28 दिन का। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं 7, 28, 90, 365 डेज़, कुछ भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि 365 डेज़ का मैं आपको दिखाती हूँ, तो यहाँ पर जो है मेरा वॉच टाइम जो है मुझे 1.9K मिला है। साथ में टॉप वीडियोज़ कौन सी चली है इन डेज में उसका डाटा है। रीच, कितने लोगों तक मेरा वीडियो जो है ये पहुंचा है, तो यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी बताया गया है। सारी चीज़ें क्लियर की गई हैं, तो बहुत इजीली आप इन डाटास को क्लियर कर सकते हो, राइट। जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब ने मेरे चैनल को कितना इंप्रेशन दिया, 388.7K और 32.8K, मतलब कि इतना जो है लोगों ने उसे व्यू किया इंप्रेशन पे क्लिक करके, और वॉच टाइम मुझे उसके थ्रू इतना मिला। तो ट्रैफिक सोर्स प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, अपलोड मोना लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, मतलब मेरे क्या चल रहे हैं, ट्रैफिक सोर्स मुझे कहाँ से सबसे ज़्यादा मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हैं हर चीज़ को, व्हाट्सएप फेसबुक, जैसे कि लोग कहते हैं कि नहीं होता, हर चीज़ से आप अपने वीडियोज़ को कर सकते हो आगे प्रमोट। ट्रैफिक सोर्स आपको कौन सी वीडियोस में सबसे ज़्यादा मिल रहा है, हर एक चीज़ का डाटा दिया जाता है। इंगेजमेंट हो गया, जैसे कि यहाँ पे टॉप वीडियोस में आपकी कौन सी वीडियो पे आपको कितने आवर्स मिले हैं, तो यहाँ पे हर एक चीज़ होगी। एंड स्क्रीन से आपकी कौन सी वीडियो चल रही है, टॉप प्लेलिस्ट आपकी कौन सी चल रही है, हर चीज़ का यहाँ पे डाटा है। और साथ में टॉप कार्ड्स, जो कार्ड्स हम ऐड करते हैं उसमें से लोग क्लिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं। टॉप एंड स्क्रीन से आपके वीडियोज़ कितने क्लिक हो रहे हैं, क्या परसेंट जा रहा है,
तो इस तरीके से आप सारी चीज़ों को चेक कर सकते हो, ऑडियंस आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो चीज़ दी गई है कि व्हेन यू व्यू ऑन योर YouTube, तो सबसे ज़्यादा व्यूअर्स आपके जो हैं वो व्यूअर्स कब होते हैं, तो ये टाइम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। सबसे डार्क बैंड है, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक सोर्स होता है वो उसी टाइम होता है। तो उसी टाइम आप अपने चैनल की वीडियोज़ को शेयर कर सकते हो, वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हो, अपनी लाइव कर सकते हो, तो यहाँ से आप ईजिली सारे डाटा को गेन कर सकते हो। तो ये चीज़ अभी नई आई है यूट्यूब में, कुछ टाइम से ही आई है अभी ये सब्सक्राइबर बेल नोटिफिकेशन, दैट मीन्स कि किन सब्सक्राइबर्स ने आपको बेल के साथ कर रखा है, मीन्स विद ऑल नोटिफिकेशन और सिर्फ बेल के साथ। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आपको पता चल जाएंगी कि इतने परसेंट लोगों ने आपको कर रखा है, और 49.6% लोगों यानी कि 635 लोगों ने, और सब्सक्राइबर हु टर्न ऑल नोटिफिकेशन फॉर योर चैनल एंड इनेबल यूट्यूब नोटिफिकेशन, मतलब यहाँ पे 30% वो लोग हैं। तो ये सारे मेरे दोस्त ही होंगे। बाकी यहाँ पे हैं टॉप कंट्रीज़, आप कंट्रीज़ देख सकते हो, पाकिस्तान, सऊदी, कहाँ कहाँ आपके वीडियोस चल रहे हैं। फीमेल मेल का आप रेशो चेक कर सकते हो कि मेल पहले ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं, फीमेल ज़्यादा। इसके थ्रू भी आप अपने वीडियोस को चेंज कर सकते हो कि फीमेल देख रही है तो आपको उस तरीके का और कंटेंट डालना चाहिए। किस एज के लोग सबसे ज़्यादा वीडियोज़ को देख रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है। अब चलते हैं कमेंट्स, सबसे बड़ा इशू कमेंट, राइट। तो कमेंट में यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन चीज़ें गई हैं, पब्लिश, होल्ड फॉर रिव्यू एंड द लाइकली स्पैम, राइट। तो पब्लिश में जो सारे कमेंट्स जो आपके पब्लिश होके सबको दिखेंगे, मतलब कि आप यहाँ से लाइक डिसलाइक यहाँ से ही आप अपने वीडियोस के कमेंट्स को, मैं जो हमेशा कहती हूँ कि यूट्यूब स्टूडियो में जाके अपने कमेंट्स में कमेंट देखें, जैसे कि यहाँ पे क्या है ना, आपको सिर्फ एक वीडियो का नहीं दिखाएगा, यहाँ पे आपको मल्टीपल वीडियोस का दिखाएगा। जिन भी लोगों ने आपकी वीडियोस पे आके कमेंट किया होगा किसी भी वीडियो पे, सारे वीडियोस के कमेंट टाइम के अकॉर्डिंग यहीं पे आपको वो सारे एक साथ दिखा देगा, मतलब आपको हर एक वीडियो में चेक करने की जरूरत नहीं है। तो थैंक्स, यहाँ पे देखो ये डायरेक्ट ऑप्शन भी देता है, थैंक्स, ग्लैड, ये सब कुछ भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आता है होल्ड फॉर रिव्यू। होल्ड फॉर रिव्यू में मैंने यहाँ पे खुद से कुछ वर्ड्स जो है वो डाल रखे हैं कि कौन से वर्ड जो हैं अगर लोग अपने कमेंट्स में डालते हैं तो वो आने चाहिए नहीं, जैसे कि कुछ अब्यूजिव वर्ड डाल रखे हैं, बट जैसे लव, तो यहाँ पे देखो इन्होंने जैसे ये लव लिखा है तो लव वर्ड मैंने ऐड कर रखा है। तो जिन्होंने जिन्होंने लव ये सब चीज़ें यूज़ की होंगी वो देखो, अब जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अच्छे कमेंट्स, अब ये रेनू अविकम हो गए या बीबी हो गई या फिर लीना जी हो गई, इनके कमेंट्स जो हैं ये सारे ही अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है इनमें, लेकिन फिर भी ये होल्ड किए गए हैं क्योंकि होल्ड ये वो वर्ड्स हैं जो मैंने ऐड किए हैं, तो ये इसने होल्ड कर दिया कि मेरे पे डिपेंड करता है नाउ कि मैं इन्हें अप्रूव करूं कि नहीं करूं। तो मैं इन्हें यहाँ से अप्रूव भी कर सकती हूं और डिलीट भी कर सकती हूं, रिपोर्ट भी कर सकती हूं, अगर कोई मुझे बदतमीजी लिखता है ब्लॉक भी कर सकती हूं। साथ में यहाँ पे जैसे कि ये लिंक, तो मैंने लिंक पे भी डाल रखा है कि लोग अगर मेरे चैनल पे आकर लिंक देते हैं तो वो होल्ड में जाएगा कि मुझे वो शेयर करना है कि नहीं करना है या डिलीट करना है, राइट। तो फिर यहाँ पे ये जो दिया हुआ इसने कोरोना वायरस करके कुछ दिया था तो ये होल्ड हो गया है, और यहाँ से ये फिर मुझ पे डिपेंड करता है कि मुझे आगे क्या डिसीजन लेना है। जैसे कि हमेशा मैं आप लोगों को कहती हूँ कि ये आप पे डिपेंड करती हैं चीज़ें। लाइकली स्पैम, स्पैम मतलब क्या चीज़ हुई कि जो यूट्यूब को समझ ही नहीं आया, मतलब मेरे सिस्टम को समझ नहीं आया वो रिलेटेड कमेंट है या नहीं है, तो वो उसने स्पैम में डाल दिया, जो कि आप अगर आपने कोई वर्ड्स नहीं ऐड किए हैं तो वो स्पैम में आपके कमेंट ऐसे ही जाते हैं। अब आप देख सकते हैं जैसे कि सलाम, सत्तू, रासा, जो भी इसने लिखा है, तो वीडियो है मेरे डांस का, अगर कोई लिखेगा डांस का नाम लिख देगा इसमें जो मैं गाना यूज़ कर रही हूँ, तो ये कभी भी स्पैम में नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं वेरी नाइस, वेरी नाइस इज़ गुड, कुछ भी बैड नहीं है, लेकिन इसने या तो मेरा वीडियो पूरा नहीं देखा होगा, कुछ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही होगी। अब जैसे कि इन्होंने लिखा है यहाँ पे, आई एम योर न्यू सब्सक्राइबर, होप यू विल एड मी, तो ये चला गया स्पैम। इस तरह के कमेंट आप कभी मत लिखें। अनन्या ने लिखा है दिस इज़ माई सेकेंड चैनल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लिखा है दिस इज़ माई सेकेंड चैनल, तो मतलब कि आप प्रमोशन कर रहे हो किसी चीज़ का, तो वो भी होल्ड फॉर रिव्यू या फिर लाइकली स्पैम में चला जाएगा। डन डना डन इस मोहम्मद नगर को मैंने बहुत बार बोला कि आप इस तरह के वर्ड ना लिखें, मगर ये फिर भी लिखते हैं, तो देखिए ये भी डन डना डन, यूट्यूब को नहीं समझ में आया ना व्हाट इज़ दिस डन डना डन, तो ये भी उसने स्पैम में डाल दिया है। तो यही आज का वीडियो था गाइस, और अगर इसके बाद भी आपके लिए कोई इशू रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। अब मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ, जैसे कि इंप्रेशन। इंप्रेशन क्या है? इंप्रेशन वो चीज़ है, इंप्रेशन मतलब होता है जैसे वहाँ पे दिखाया था इंप्रेशन, इंप्रेशन, क्लिक थ्रू रेट, राइट। तो इंप्रेशन होता है जैसे आप
YouTube ओपन करते हो तो आपको सबसे पहले वहाँ पे चीज़ें दिखा देता है, किसी का वीडियो आया है या कोई भी चीज़ है आपके चैनल की वीडियो को छोड़ के वो सबकी वीडियोज़ दिखाता है, वो इंप्रेशन है, मतलब YouTube उनको प्रमोट कर रहा है। अब उनमें से अगर आपने किसी को क्लिक कर लिया या फिर आप अपने चैनल ओपन करते हो या लाइव ओपन करते हो किसी की, तो वहाँ साइड में भी नीचे और लोगों की लाइव आपको दिखाता है, रिकमेंड करता है, राइट। तो वो जो रिकमेंड करता है ना, दैट ऑल थिंग्स आर इंप्रेशंस। इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट क्या, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट है जैसे कि उस इंप्रेशन से आपने, जैसे मान लो मेरी लाइव का वहाँ पे आपको रिकमेंड कर रहा है तो आप ओपन कर लोगे क्लिक, दैट क्लिक इज कॉल्ड अ क्लिक थ्रू रेट। तो वहाँ से कितने लोगों ने मुझे क्लिक किया वो चीज़ वहाँ पे आती है, मीन्स इतने जो व्यूज़ हैं या फिर इतना आपको वहाँ पे क्लिक थ्रू रेट मिला है। मान लो 100 बार, मतलब वैसे बहुत बार करता है YouTube आपको, मैं हमेशा कहती हूँ YouTube बहुत प्रमोट करता है। तो मान लो YouTube ने मुझे 100 बार इंप्रेशन दिया, 100 में से मान लो मेरे को 50 लोगों ने देखा, क्लिक किया, तो वो 50% क्लिक थ्रू रेट दे देगा, मीन्स 100 में से 50% लोगों ने क्लिक थ्रू रेट किया। उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करके वहाँ पे वो रेशो और वो जो भी परसेंटेज होता है वो दे देता है। सेकेंड चीज़, यूट्यूब ट्रबल्स, जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे उसने दिया हुआ है कि इतने टाइम का जो डाटा है वो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही थी या कोई भी इशू था, तो वो भी डैशबोर्ड पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो तीसरी चीज़ है सजेस्टेड वीडियो। सजेस्टेड वीडियो वही है जो आपको यूट्यूब सजेस्ट करता है, आप देखें ना देखें वो आपकी मर्ज़ी है। बाकी चीज़ें हैं जैसे कि YouTube की, जो मैंने दिखाया आपको डैशबोर्ड पे ही कि YouTube के क्रिएटर की न्यूज़ आती है, YouTube के अपने अपडेट्स आते हैं, YouTube में क्या इश्यूज चल रहे हैं वो सारी चीज़ें आती हैं, YouTube में आप क्या चीज़ें अपने चैनल पे प्रोटेक्शन लगा सकते हो, क्या चीज़ें आप अपने चैनल को ग्रो करने के लिए चीज़ें कर सकते हो, सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे YouTube स्टूडियो में आती हैं। जो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि यार लोगों के जो भी र्यूमर्स हैं उन पर बिलीव ना करें। होपफुली कि ये वीडियो अब आप लोगों को ज़रूर बेनिफिशियल रहेगा, बेनिफिट मिलेंगे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि जो लोग र्यूमर्स पे विश्वास करते हैं एटलीस्ट वो थोड़ा और कम र्यूमर्स पे विश्वास करेंगे। और अगर इसके बाद भी आप लोगों के कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं तो आप मेरे साथ कमेंट में प्लीज़ ज़रूर शेयर करें ताकि मैं उन चीज़ों को आगे क्लियर करूं, राइट। वैसे तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ टॉपिक बहुत हैं, बट क्या होता है ना कि हो सकता है कि जो मेरे पास टॉपिक हैं वो आपको ऑलरेडी पता हो और आपके कुछ और क्वेश्चंस हो, तो मेरी भी कुछ चीज़ें क्लियर होंगी और मैं चीज़ें ढूंढ के आपके लिए भी डाटा लेकर आऊँगी। तो एक बार जैसे कि स्पैम की बात है, तो स्पैम में जो होल्ड फॉर रिव्यू है उसमें आप अपने वर्ड्स डाल सकते हैं, जैसे कि हम नाइट बोर्ड में डालते हैं कि हमें इमोजीज नहीं चाहिए बहुत ज़्यादा, या फिर हमारे पे कोई लव वर्ड लिखता है तो वी डोंट नीड दैट वर्ड, या फिर कोई इस तरह के वर्ड्स लिखता है जो हमें पसंद नहीं है, जैसे मैंने डाल रखा है कि अगर कोई अब्यूज़िव वर्ड्स लिखता है, अब्यूज़िव वर्ड्स मैंने ऐड किए हुए हैं, अगर कोई डालता है तो वो उसको होल्ड कर देगा उस बंदे को, या फिर उसे वो ब्लॉक कर देगा नाइट बोर्ड। तो इस तरीके से आप अपने स्पैम में भी इन चीज़ों को डाल सकते हो। जब अपनी वीडियो को अपलोड करते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको सारी वीडियोस जो हैं कमेंट्स में ही चाहिए या फिर स्पैम में भी चाहिए। अगर आप ऑल इन कमेंट कर दोगे तो आपका कोई भी कमेंट स्पैम में नहीं जाएगा उस वीडियो का, ये चीज़ आपको हर एक वीडियो में करनी होगी। तो यही था गाइज आज का वीडियो, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे शेयर करें, और अगर आपके पास कोई और नए इशू हैं तो मुझे ज़रूर लिखें मेरे कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पॉइंट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सलाम, खुश रहिए, आबाद रहिए।